بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين ما هو شدة على الكفار رحما بينهم تراهم ركعا سجدا سلسلة مولاى كائنات أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ك असाबे बरगुजीदा इमाम के मोस्ट लॉयल कंपेनियन की बात कर रहे थे हम और उस लिस्ट में सबसे पहला नाम हजरत सलमान फारसी का है इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगु तीसरे मरहले में दाखिल हुई है लास्ट वीक हजरत सलमान फारसी की जर्नी किस तरीके से हक की तलाश में आपने ईरान छोड़ा और मुख्तलिफ शहरों से बस्तियों से टाउन से होते हुए आखिरी मंजिल और आखिरी पढ़ाव पर पहुंचे यहूदी के गुलाम हो गए थे लेकिन हक की तलाश थी आखिरश वो तीन अलामतें मैंने बताई कि जो रसूल की थी और रसूल में उन्होंने देखी पाली मुसलमान हो गए रसूलुल्लाह ने उनकी आजादी में अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया है वो माल जो उनके पास जंग से हासिल हुआ था बूटी ऑफ वॉर के तौर पे अपना शहर लगा दिया ताकि सलमान आजाद हो जाए लेकिन कीमत ज्यादा मांगी जा रही थी रसूलुल्लाह ने मुसलमानों से कहा आयन व खाको तुम अपने भाई की मदद करो आजाद करवाओ लोगों ने मदद की सलमान आजाद हो गए दरे सरवरे कायनात पर पहुंच गए बहुत करीब हो गए रसूल तो पहले से ही जानते थे जो मकाम सलमान था वहां पर सलमान को रखा सलमान ही है जिनसे रसूल ने राज की बातें की हैं मलाय कैनात ने राज की बातें की जो नबियों का सरदार है उसके राज का अमीन भी सलमान जो वेलायत का ताजदार है उसके राज का अमीन भी सलमान और बेहतु शरफ जनाब सैदा के खादी में गुलाम है पाक असरार रालत और इमामत की हो रही थी लेकिन जब जनाब सैदा तक पहुंची है तो वो वाक तो आप सबने सुना है ना बारह सुना है मस्जिद नबमी में जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ औरत के लिए क्या चीज बेहतर होती है सवाल रसूल कर रहे हैं मस्जिद नबी की है और सवाल भी उनसे किया जा रहा है जो रसूल से मस्जिद में सुबह शाम इलम लेते हैं खामोश किसी के पास जवाब नहीं था सलमान के पास भी जवाब नहीं था लेकिन सलमान जानते थे कि एक घर से जवाब मिल सकता है फौरन दरे जनाबे से पर पहुंच गए रसाई थी इस घर के गुलाम थे इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने कांधों पे लेके चलते थे रसूल खुदा ने जिन लोगों को बारह इमामों के नाम बताए उनमें से एक सलमान है दरवाजा खटखटाया कट बीवी को दरवाजे से सलाम किया जनाबे सैयदा भी जानते हैं और एल में जनाबे सैदा से भी

और ये जवाब आप ही दे सकती हैं अंदर से जवाब आ गया ना महरम उसे ना देखे वो ना महरम को न देखे सलमान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा दौड़े हुए मस्जिद में आ गए रसूल से सलाम के बाद इजाजत ली जवाब दू जवाब दिया रसूल मुस्कुराए सलमान ये जवाब कहां से ला रहे हो क्या यार रसूल अल्लाह एक ही तो घर है आपकी जात के अलावा एक ही तो घर है वो जो अली और फातिमा का घर है शाहजादी का घर है, वहां से जवाब लाया हूं कि महरम मर्द उसे ना देखे वो ना महरम मर्द को ना देखे जैसे ही जवाब तो उसके बाद रसूल तो खुश हो गए थे इन्होंने पूरा रेफरेंस दे दिया उसके बाद रसूल ने क्यामत का जुमला कहा क्यों कर फातिमा ये जवाब ना दे फातिमा तो बस तुम मिन्नी फातिमा मेरा टुकड़ा है हां बहुत करीब थे रसूल से मिलता है कि एक मरतबा रसूल से करीब बैठे हुए हैं अब जानते हैं कि अरब और अजम इसका मामला बहुत ज्यादा था वहां पर अरब अपने बराबर किसी को नहीं समझते अरब यानी एरोगेंट मतलब यानी जो बोल सकता अजम यानी उसके सामने सब गूंगे। से करीब बैठे हुए एक अरब की पेशानी पर बल रसूल ने महसूस कर लिया क्या रसूल की बात पसंद नहीं है हमेशा ये बुद्ध गिरा रसूल ने हमें भी इस तरह के सारे बुद्ध गिरा देने चाहिए और सुनने का सुनो अरब को अजम पर गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है और जानते हो अल्लाह के जिसे फजीलत हासिल है वो वो है कि जिसके पास तखवा हो कुराने मजीद ने कह दिया ना इन आक्रामक हूं अल्लाह दल माम है और सलमान अपने इस सेहत के पाबंद रहे वफादार रहे मुत्ती के इमाम अली साहेब तखवा खुदा के नजदीक मोहतरम अमल जिसका कबूल हो रहा है वो मुस्ती बंद दरवाजे जिसके लिए खुलते हैं वो मुत्ती है अल्लाह जिसे मोहब्बत करता है वो मुत्ती है यानी जिसके पास तक्वा, है तखबा क्या चीज है वो भी रसूल से पूछ लेते हैं ये कुरान की आयतें थी आपने फरमाना या अली हुबु का तखवा व ईमान यानी तुम्हारी मोहब्बत तखवा व ईमान है तो क्या सलमान तुम में ज्यादा मुत् पर है उसके बाद कहते हैं मिकमत का चश्मा है सलमान जिससे इमत जाहिर होता है इनसे दलील बुरहान प्रूफ ऑफ़ हक, ट्रुथ जाहिर होते हैं इतना कहने के बाद सलमान को एक मेराज पर पहुंचा दिया सलमान सलमानों में इन्ना हलल वेद अरब और अजम की बहस में पड़े हुए थे तुम गोरे और काले की बहस में पड़े हुए थे तुम अरब और फारस की बहस में पड़े हुए थे तुम आका और गुलाम की बहस में पड़े हुए थे सलमान ईरानी भी नहीं है सलमान अरब भी नहीं है साहेब तखबा है लेकिन उसके बाद सलमान और मिलना हलबैत फखर की बात करते हो ना तुम में से कोई भी हमारे अहले में से नहीं है और सलमान हमारे अहले में से है और उसके बाद वो हदीस जिस पर आज की इस गुफ्तगु को तमाम करना चाहता हूं सब जन्नत के मुश्ताक हैं लेकिन सलमान वो है जिसकी जन्नत मुश्ताक है महीना इमाम रेजा अल सलात सलाम का उनकी एक हदीस इस पर एक गुफ्तु तमाम करते हैं आप फरमाते मन कान फी तो कान तेल जन्नतो फी तलबे जो इल्म की तलाश में चलता है ना तो जन्नत उसकी तलाश में होती है सलमान उनमें से है السلام عليكم ورحمه الله وبركاته